सुनैना और सुरेखा यह दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी सुनैना नौकरी भी करती थी और देवरानी सुरेखा यह घर संभालती। उनका परिवार बहुत बड़ा था, सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर 10 लोग रहते थे। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि सुनैना फटाफट अपने काम कर रही है। सुरेखा ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता सुनैना ने सबको परोसा। उसके बाद सुनैना ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। सुरेखा ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास ससुर और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने सुरेखा को पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जिठानी तुझ पर बहुत हुकुम चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम करती हो और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद सुरेखा ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है, सुनैना दीदी बहुत अच्छी है। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो सुरेखा, मुझे सब समझ में आता है, मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। सुरेखा से आप रहा नहीं गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको सुनैना दीदी ने सबको नाश्ता परोसा वह दिख गया, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे जबरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने दिया और चाय भी दी। वह रोज मुझे ऐसे सबसे पहले ही नाश्ता दे देती है, नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती हैं, जल्दी सुबह उठकर मंदिर साफ करती हैं, फूल सजा कर रखती हैं और मुझे उनके एक घंटे बाद उठने के लिए कहती हैं। शाम को आते समय बाजार से सब्जी भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को सुनैना दीदी ने बाजार में जाने को मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। बाजार में जाते समय उनको तकलीफ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो सुनैना दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज शाम को आने के बाद वो कितनी भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती है। वह मेरी बड़ी जेठानी ज़रूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती हैं और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली सुरेखा के आगे टिक नहीं पाई। शाम को सुनैना सब्जी की थैली सुरेखा के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे पसंद लेखक की किताब भी है उसमें। यह सुनकर सुरेखा खुश हो गई। सुनैना को थैंक यू बोलकर वह सब्जी की थैली किचन में रख कर अपने रूम में चली गई। उतने में बुआ ने सुनैना को आवाज़ दी, बड़ी बहू, जरा यहाँ आना। वह बोली, सुनैना, तू इतनी मेहनत करके पैसा कमाती है और ऐसे फालतू में किताब खरीद करके मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए, वह ऐसे भी घर में बैठ कर करती क्या है। तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर सुनैना हंसकर बोली, क्या बुआ जी, आराम और सुरेखा, उसे तो कहने पर भी वह आराम नहीं करती। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है, सबका मनपसंद खाना, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन, सब वही तो करती है और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती है। इसीलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसीलिए ही मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी ख़त्म हो गई और कभी लाने की हो तो वही ध्यान रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी तो वही करती है। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। सुनैना कभी कोई शिकायत नहीं करती है, वह सब काम कर लेती है। वह सिर्फ
पढ़ना पसंद करती है, फिर मैं मेरी छोटी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैं नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर सुनैना अपने रूम में चली गई। यह सब बोलना सुनैना की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और बोली, जीजी, यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, लेकिन उनका रिश्ता दो सगी बहनों से भी ज्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर यह दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर का होना है ना? पर यह बात बुआ को समझ में नहीं आई। रुदन करते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए ही तो वह आई थी। पर सुनैना और सुरेखा, इनके जैसी दो समझदार जिठानी और देवरानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, सुनैना और सुरेखा, इनकी जैसी समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होंगे, उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी, वह घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, देवरानी जेठानी की सुंदर पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।